ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। नमस्कार, आज बोल के लब आजाद है तेरे में इंसाफ के दो चेहरे, भारतीय समाज के दो क्रूर चेहरे। इसी 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे महिलाओं के प्रति लोगों की शब्दावली को लेकर, महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी को लेकर, तब उसी 15 अगस्त को बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा किया जा रहा था। न सिर्फ रिहा किया जा रहा था दोस्तों, उन्हें मिठाइयां भी खिलाई जा रही थी, उनके चरण स्पर्श भी किए जा रहे थे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए भी किया जाएगा, क्योंकि साल के अंत में गुजरात के चुनाव है। और दूसरा क्रूर चेहरा, 9 साल का बच्चा, राजस्थान के जालौर का रहने वाला इंद्र मेघवाल, 9 साल का एक दलित बच्चा, और उसका अध्यापक छैल सिंह उसे इस बेरहमी से मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। दो थ्योरी सामने, एक थ्योरी ये कि इंद्र मेघवाल मटकी से पानी पी रहा था, वो मटकी जो छैल सिंह के लिए था, वो छैल सिंह जो फॉरवर्ड कास्ट है, अगड़ी जाति का है, इसलिए मार दिया गया। दूसरा थ्योरी किताब को लेकर जो है बहस हुई थी, जिसको लेकर छैल सिंह ने उसे मारा, और नतीजा आपके सामने है। मगर ये दोनों ही खबरें हमारे सभ्य समाज के चेहरे पर एक तमाचा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बिल्किस बानो की। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस वक्त बिल्किस बानो किस तरह की मनस्थिति में होगी। इन 11 लोगों ने न सिर्फ उसका बलात्कार किया था, और ये ना भूलें उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। जब वो 11 लोग बिल्किस बानो का बलात्कार कर रहे थे, तब वो लगातार गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूं। कुछ ही देर पहले उसकी 3 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया था, उसके परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया था, और आज अच्छे बर्ताव के चलते इन्हें रिहा कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को कहा क्या था। भारतीय जनता पार्टी का एक ट्विटर हैंडल देखिए दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पूरा बयान है, मगर उस बयान में एक नीचे एक चीज लिखी हुई है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां औरत की पूजा होती है वहां देवता विचरण करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, एक तो आपके आंखों के आंसू मैं नहीं भूला हूं 15 अगस्त को, और फिर आप ही के गुजरात में आपने देखा ये तस्वीर, जहां पर एक बलात्कारी के 11 गुनहगारों को, आरोपियों को नहीं, गुनहगारों को रिहा कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के मुंह से एक शब्दावली नहीं निकली, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसका इस्तेमाल किया जाएगा चुनावों के लिए जो साल के अंत में है। मैं आपसे पूछना हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन औरतों के लिए आप भावुक हो गए थे 15 अगस्त के अपने भाषण में, बिल्किस बानो भी तो इस देश की बेटी है ना, उसकी 3 साल की बेटी जिसे मौत के घाट उतार दिया था उन दरिंदों ने, वो भी तो इस देश की बेटी थी। आज उसका पूरा परिवार सख्ते में है प्रधानमंत्री, और आप खामोश हैं। आपने 15 अगस्त को इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी नारी सुरक्षा को लेकर, नारी के अपमान को लेकर, कथनी और करनी का फर्क बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारी व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खामोश क्यों हैं प्रधानमंत्री? बिल्किस बानो भी इस देश की बेटी है, और उसके साथ तो अत्याचार हुआ है। और मैं सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछना चाहता हूं, मैं सवाल अपने समाज से पूछना चाहता हूं
कि यह एक राजनीतिक दल का आपकी संवेदनशीलता पर, आपकी आत्मीयता पर, आपकी इंसानियत पर एक करारा तमाचा है। उन्हें लगता है कि बलात्कारियों को रिहा करके उन्हें वोट्स हासिल हो सकता है, उन्हें लगता है कि आपके वोट हासिल हो सकते हैं इन बलात्कारियों को रिहा करके, इन गुनाहगारों को रिहा करके। ये तो चलिए इंसानी तर्ज पर बात हुई, मगर आप जानते हैं कानून की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय का फरमान साफ तौर पर कहता है कि आप उन लोगों को रिहा नहीं कर सकते वक्त से पहले जिन पर बलात्कार का मामला साबित हो गया हो, नंबर एक। नंबर दो, जिन्हें आजीवन सजा मिली हो। आपके सामने दोस्तों मैं वो फरमान पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Special remission is not to be granted to the following category of convicts. गुनाहगारों की इन फहरिस्त को आजाद नहीं किया जा सकता, रिहा नहीं किया जा सकता। आप देखिए साहब, इसमें नंबर दो पर आइए, पॉइंट नंबर टू, persons convicted with sentence of life imprisonment, जिन लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। उसी तरह से आइए नंबर छह पर, persons convicted for the offense of rape, human trafficking and the prevention of children from sexual offenses 2012 POCSO, यानी कि जिन लोगों पर बलात्कार का जुर्म सिद्ध हो गया हो उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। साफ तौर पर यह फरमान कह रहा है। मैं पूछना चाहता हूं गुजरात सरकार से, मैं जानता हूं कि आपने सरकार के अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया, मगर केंद्र सरकार जो कह रहा है और राज्य सरकार जो कह रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क क्यों? क्या राजनीति के लिए आप इंसानियत भूल गए? क्या राजनीति के लिए आप कानून के पैमानों को भूल गए? कहां मर गई आपके अंदर की इंसानियत? और सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी खामोशी बहुत ज्यादा शॉकिंग है। आपको बिल्किस बानो के लिए बोलना चाहिए। कहां गया आपके अंदर की वो भावनाएं जो उमड़ी थी 15 अगस्त को लाल किले से आपके संबोधन में? क्योंकि अगर बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिला तब मुझे ही लगेगा प्रधानमंत्री कि आप सिर्फ राजनीति के लिए 15 अगस्त को अपना वो बयान दे रहे थे जिसमें आपने इस बात पर दुख जतलाया था कि महिलाओं के साथ क्या होता है, महिलाओं के साथ किस तरह के अपशब्द इस्तेमाल होते थे और फिर आप भावुक हो गए थे। ये समाज का क्रूर चेहरा है जो गुजरात से उभर कर आ रहा है, मगर समाज का एक और क्रूर चेहरा सामने उभर कर आ रहा है कांग्रेस शासित राजस्थान से। 9 साल का मासूम इंद्र मेघवाल, उसे उसके अध्यापक छैल सिंह इस बेरहमी से मारते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। दो तरह की थ्योरी सामने उभर कर आ रही हैं। दैनिक भास्कर की इस खबर का कहना है, एक थ्योरी तो यह है उसका परिवार कह रहा था और बच्चा भी यह कह रहा था कि मैं उस मटके से पानी पी रहा था जो मटका छैल सिंह का था। छैल सिंह वो अध्यापक, 40 साल का वो अध्यापक नाराज हो गया और उसने बेरहमी से मारा और इंद्र मेघवाल की मौत हो गई। दूसरी थ्योरी ये है कि किताब को लेकर इंद्र मेघवाल और उसके एक और सहपाठी, एक और क्लासमेट के बीच लड़ाई हो रही थी, उसको लेकर अध्यापक छैल सिंह ने, 40 साल के अध्यापक ने उसे थप्पड़ मारा और नतीजा आपके सामने है। मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। मुद्दा यह नहीं है कि उस छात्र को इसलिए मारा गया क्योंकि वो मटके से पानी पी रहा था या फिर किताब को लेकर लड़ाई हो रही थी, नहीं, मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि एक 9 साल के बच्चे को आप इतनी बेरहमी से मार सकते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। मैं तस्वीर आपको नहीं दिखाना चाहता हूं इंद्र मेघवाल की, जब वो घायल हो गया था, उसकी एक आंख बुरी तरह से सूजी हुई थी। मैं यही तो सोच रहा हूं, एक 9 साल के बच्चे को एक टीचर, एक अध्यापक इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है? कहां है हमारे समाज के अंदर की इंसानियत? इसलिए मैं आज आपके सामने बिल्किस बानो और इंद्र मेघवाल दोनों की मिसाल रख रहा हूं। ये दोनों जतला रही हैं कि ये समाज अंदर से मर चुका है, सड़ चुका है, गल चुका है। आपके मन में बलात्कार पीड़िता के लिए थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है। आपके मन में इंद्र मेघवाल नाम का जो छात्र था 9 साल का, उस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है उसे। क्यों? क्योंकि निशाने पर अशोक गहलोत सरकार है।
अशोक गहलोत के अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट वहां पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अशोक गहलोत की कुर्सी चाहते हैं। और इस बात को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि राजस्थान में दलितों के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ते रहे हैं और उसकी ढेरों मिसालें हमारे सामने हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बिल्किस के बलात्कारी रिहा हो गए और गांधी के गुजरात में शोर तक नहीं इस बात को लेकर। जो आम मध्यम वर्गीय परिवार है, इस खबर को लेकर उसके अंदर एक आक्रोश भी नहीं है, चिंता भी नहीं है। बिल्किस हिंदू बेशक ना हो, और हम गुजरात का 2002 का इतिहास जानते हैं, उसने किस तरह से समाज के अंदर कड़वाहट पैदा की थी, मगर हकीकत यह है कि बलात्कार एक अपराध है, उसे धर्म से जोड़ना गलत है। उस बलात्कार की शिकार एक मुस्लिम महिला है, वो एक अलग मुद्दा है, मगर वो बलात्कार की शिकार है, बलात्कार इस समाज की महिला के खिलाफ सबसे खतरनाक हथियार है, सबसे खतरनाक हथियार, चाकू, तमंचे और तोप से भी ज्यादा। और इस हथियार का इस्तेमाल किया था बिल्किस के खिलाफ जब उसके पेट में उसका एक बच्चा था, जब उसकी आंख के सामने उसके 3 साल के बच्चे को मौत के घाट उन दरिंदों ने, उन राक्षसों ने उतार दिया था। इसलिए एक समाज होने के नाते हम इस मुद्दे से मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं आपके सामने बार बार ये मुद्दे रखते रहता हूं। मुझे कभी कभी लगता है कि ये मुद्दे मैं आपके सामने क्यों उठाता हूं, क्योंकि किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगती, किसी के स्वभाव, किसी के चरित्र, किसी के स्वास्थ्य पर कुछ असर नहीं पड़ता। मगर हां, जब तक यहां इंसानियत है, ये मुद्दे इस मंच से लगातार उठाए जाते रहेंगे, चाहे इंद्र मेघवाल हो, चाहे बिल्किस बानो हो। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।